प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी में आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, यानी कि हिंदी में महीने के नाम, नंबर्स नेम और ऋतुए के नाम यानी कि सीजन नेम। ऐसा आपकी टेक्स्ट बुक में कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 15, अंक, दिन, महीने और ऋतुए के नाम, नेम्स ऑफ द नंबर्स, डेज, मंथ्स एंड सीजन। ये सारे जो नेम है वो आपको सीखने हैं अभी, जो आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो। अंकों को सीखिए और लिखिए, लर्न एंड राइट दिस नंबर। आपको यहाँ पे 1 से लेके 20 तक हिंदी में नंबर्स नेम सीखने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, 1, 2, 3, 4 यानी कि 1 से लेके 20 तक, 20 तक हिंदी में किस तरह से लिखते हैं वो सीखना है। ये दो ब्लैंक यानी कि खाली जगह दी है तो वहाँ पे आपको कॉपी डाउन करना है। मैं यहाँ पे आपको लिख के नहीं दिखा रही क्योंकि यहाँ पे आपको सामने दिया गया है, मैं सिर्फ बोलना सिखा देती हूँ। एक, उसको वन है, उसको अंक में हिंदी में कहते हैं एक। टू को दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ। देखिए, नौ और एक दोनों लिखने में आपको बहुत ध्यान रखना है, दोनों उलट सुलट ना हो जाए। दस, ग्यारह, बारह, तेरह, 14 को कहते हैं 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो आपको ये सारे नंबर है वो यहाँ पे सामने 2 टाइम लिखना है, कॉपी करना है। सिर्फ ये हिंदी के नंबर से वो आपको यहाँ पे लिखना है 2 टाइम, इंग्लिश के जो नंबर है वो आपको नहीं लिखने हैं। अब है अंकों के नाम सीखे और लिखे। देखने अभी हमने क्या सीखा, अंक यानी कि नंबर 1 से लेके 20 तक हिंदी में, यानी अब हम सीखेंगे उसको वर्ड में किस तरह से लिखते हैं, यानी कि नंबर्स नेम। वन तो उसे कहते हैं एक, टू तो उसे कहते हैं दो, थ्री यानी कि तीन, फोर यानी कि चार, फाइव तो उसे कहते हैं पांच, सिक्स यानी कि छः, सेवन सात, एट तो उसे कहते हैं आठ, नाइन यानी कि नौ, टेन यानी कि दस। तो ये भी आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। यहाँ पे 2 टाइम जो हिंदी के नंबर्स नेम है वो यहाँ पे आपको लिखने हैं, कॉपी डाउन करने हैं। अब है 11 यानी कि 11, 12 यानी कि 12, 13 यानी कि 13, 14 तो उसे कहते हैं हिंदी में 14, 15 15, 16 तो 16, 17 तो 17, 18 यानी कि 18, 19 तो उसे कहते हैं 19 और 20 को कहते हैं 20। ये आपको एग्जाम के लिए भी लर्न करने हैं नंबर्स नेम और 1 से 1 से 20 तक के नंबर। अब हम देखते हैं अभ्यास, अंकों में लिखिए और अंकों में नाम लिखिए। यहाँ पे आपको नंबर्स डिजिट में लिखने हैं और यहाँ पे नंबर्स नेम लिखने हैं। एक, यहाँ पे आपको नंबर्स नेम में दिया है तो हमें उसको अंक में यानी कि डिजिट में लिखना है, तो हिंदी में इस तरह से एक लिखा जाता है। बाद में 4, 7, 10, 15 और 20 जो आपको मैंने यहाँ पे लिख के दिए है वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। दो, तो हिंदी में नंबर्स में नेम लिखे दो। तीन, 6, 7, 14 और 18। आपको होमवर्क में क्या क्या मिला, पेज नंबर 68 में ये कंप्लीट करना है और पेज नंबर 69 में भी आपको ये पूरा पेज लिख के कंप्लीट करना है। उसके बाद पेज नंबर 17 में यहाँ पे ये पेज लिख के कंप्लीट करना है और ये एक्सरसाइज। अब है क्वेश्चन नंबर 2, अंक पहचान कर दिए गए शब्दों को रेखा खींचकर अंकों से मिलाइए, ये है मैचिंग। यहाँ पे है 8 तो हमें उसका नंबर सेम ढूंढना है 8, उसके साथ आपको स्केल से मैच करना है। 4 तो वो तो आपको मैच करके दिया है। 17
यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे मिलेगा जहाँ पे आपको मैच करना है। उसके बाद है नो, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा एक, उसको मैच करिए। और लास्ट में है 15, तो आपको यहाँ पे मैच करना है। अब है आओ दिन महीने और ऋतु के नाम सीखे। चलो अब सबसे पहले हमें डेज के नाम सीखने हैं, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में। मंडे, तो मंडे को हिंदी में कहते हैं सोमवार। ट्यूसडे, तो मंगलवार। वेनसडे, बुधवार। थर्सडे, तो उसे कहते हैं गुरुवार या तो बृहस्पतिवार। आपको बृहस्पतिवार याद नहीं रहता तो आपको गुरुवार याद रखना है। फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। सैटरडे, तो उसे कहते हैं शनिवार। संडे यानी कि रविवार, इतवार। ये आपने सीखे डेज के नेम हिंदी में और इंग्लिश में, ये भी आपको लर्न करने हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे है मंथ के नेम, हिंदू कैलेंडर महीनों के नाम, नेम्स ऑफ मंथ। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ और फाल्गुन। ये सारे हैं महीनों के नाम जो अभी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसको समझना है। अब है ऋतुएं यानी कि सीजन। अब आपको पता होगा कि सीजन 3 टाइप्स की होती है, समर, मॉनसून और विंटर। लेकिन यहाँ पे आपको दिए है 6 टाइप्स की सीजन, तो देखते हैं कौन कौन सी है। समर यानी कि ग्रीष्म ऋतु, यहाँ पे आपको पिक्चर देख के समझ में आ रहा है कि ये है समर। यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा, तो सब क्या कर रहे हैं, पंखे की मदद से और हवा खा रहे हैं और ठंडा पानी पी रहे हैं। अब है वर्षा ऋतु यानी कि मॉनसून यानी कि बारिश का समय, रेनी सीजन। अब है शरद ऋतु यानी कि विंटर आने से पहले का समय और मॉनसून के बाद का समय। उसके बाद है हेमंत ऋतु, प्री विंटर। तो तब भी आपको ये समझ में आ गया है कि विंटर से पहले की जो सीजन होती है वो यहाँ पे दिखाई गई है, शिशिर ऋतु यानी कि विंटर। अब यहाँ पे विंटर की सीजन का पिक्चर दिखाया गया है जो कि अभी चल रही है। और लास्ट में है वसंत ऋतु, जो पूरी तरफ खुशहाली का मौसम होता है। सारी जो चीजें है प्रकृति की चीजें वो हमें बहुत अच्छी दिखाई देती है, सारी जगह पे हरियाली दिखाई देती है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट होता है। आपको नंबर्स और नंबर नेम है वो और डेज के नेम इतना है वो लर्न करना है, बाकी सारा आपको सिर्फ सीखने के लिए चैप्टर में दिया गया है।